दोस्तों, आज मैं आपको कुछ जीवन के लिए उपयोगी बातें बता रहा हूं जो काम आएंगी। गौर से सुनिएगा मित्रों, आपके जीवन में समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको फैसला लेना होता है, निर्णय लेना होता है कि क्या करें और क्या ना करें। सच बात तो यह है कि आपके दैनिक जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं कि उसमें आपको फैसला लेना पड़ता है। जैसे आपके रिश्तेदारी में कोई विवाह है, शादी का कार्यक्रम है, और आपकी पढ़ाई भी चल रही है, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी जरूरी काम में लगे हैं, जाया जाए कि न जाया जाए, निर्णय लेना है। इसी तरह आपके परिवार के दो लोगों में आपस में कुछ मतभेद चल रहा है, आपकी माताजी कुछ और कहती हैं, आपकी पत्नी कुछ और कहती हैं, और आपको निर्णय लेना है कि इस समस्या को समाधान कैसे किया जाए। दोस्तों, ये दिक्कतें बहुत बड़े बड़े लोगों के भी जीवन में आती हैं। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, तो निर्णय लेना था कि वहां तमाम कार सेवक जो पहुंच रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद गिराने के लिए आमादा हैं, उनको रोका जाए तो तमाम हिंदू जनता के लोग नाराज होंगे, और अगर न रोका जाए तो वो बाबरी मस्जिद को गिरा देंगे, उससे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो जाएंगे और दंगे हो जाएंगे। अब इस बीच में निर्णय लेना था, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। जैसा भी हो, ये प्रदेश सरकार जाने, और प्रदेश सरकार ने भी कोई निर्णय नहीं लिया, कहा कि अगर हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर वो लोग जबरदस्ती गिराने लगेंगे तो क्या करेंगे, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में ऐसी दिन प्रतिदिन के मामलों में भी परिस्थितियां आती रहती हैं। मैं क्या सब्जेक्ट चुनूं, मैं आर्ट साइड पढ़ूं कि कॉमर्स साइड पढ़ूं, मैं कंपटीशन में बैठूं या व्यवसाय करूं, मैं पढ़ाई करूं या उद्योग लगाऊं, तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं। दोस्तों, जहां कहीं इस तरह का कंफ्यूजन हो, अपने शुभ चिंतकों से, अपने मित्रों से, अपने जानकार लोगों से राय लो, पूछो, लेकिन उसके पहले पूरी बात बताओ। लेकिन मेरा निवेदन है कि कभी अनिर्णय न रहे। दोस्तों, जानते हैं अनिर्णय का क्या हाल होता है, कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को दौड़ाया, पीछा किया, भगा दिया, लेकिन छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, ये निर्णय नहीं लिया। हरा तो दिया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया कि भविष्य में दोबारा ये हमला ना करें, इसके लिए क्या करना चाहिए, निर्णय नहीं लिया। और उसका दुष्परिणाम हुआ कि 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने न केवल उनको पराजित किया, उनको अंधा कर दिया, उनका राज्य छीन लिया और दिल्ली पे तुर्कों का कब्जा हो गया। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं, समय से निर्णय लो। एक चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सारी परिस्थिति का विश्लेषण करो, अपनी रुचि, अपना हित देखो, शुभचिंतकों से राय लो और निर्णय लो कि ये करना है, ये नहीं करना है। बहुत परिस्थितियां आती हैं, किसी लड़की से आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और बाकी सारे लोग इससे खिलाफ हैं, अब आप शादी करते हैं तो पारिवारिक लोग, मित्र लोग सब नाराज होते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आपका मन नहीं मानता, वो लड़की दुखित होती। प्लस माइनस दोनों देखो, इस काम को करने के क्या फायदे नुकसान हैं, इस काम को न करने के क्या फायदे नुकसान हैं, फिर अपने सच्चे मित्रों, शुभचिंतकों, गुरुओं, माता पिता, उनसे राय लो जो आपके सच्चे शुभचिंतक होते हैं, और तब निर्णय लो, निर्णय अवश्य लो। अगली बात अब बताता हूं कि बहुत सी चीजों में नियम नहीं होते और उनके नियमों के ना होने से बहुत संकट होता है। जैसे आपको याद होगा कि मुगल बादशाहों के यहां या और भी
मुस्लिम सुल्तानों के यहां अक्सर झगड़ा हो जाता था कि अगला सुल्तान कौन बनेगा, क्योंकि नियम स्पष्ट नहीं था। हिंदू राजाओं में झगड़े बहुत कम होते थे, क्यों? स्पष्ट था कि जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। मुस्लिम बादशाहों में यह था कि जो स्पष्ट नहीं था कि जो समर्थवान होगा वो भी बन सकता है, जिसको राजा बादशाह चाहे वो बन सकता है। इसी तरह बहुत सी चीजों में नियम नहीं बने होते। जैसे सरकार के तमाम अधिकारी कर्मचारी तैनात होते हैं, उनकी पोस्टिंग के सामान्यतः नियम बारीक नहीं बने हैं, उसकी वजह से उनमें ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है। इसी तरह कैसे कोई चीज तय की जाएगी, मंत्री कैसे बनेंगे, कौन बनेगा, उसके नियम नहीं बने हैं, तो क्या होता है? विवेक, मनमर्जी, इनडायरेक्ट उसको कहते हैं मनमर्जी, जैसा फलाने साहब चाहे वैसा कर लें। जहां ज्यादा छूट की गुंजाइश होती है वहीं उतने अधिक विवाद होते हैं, उतना संघर्ष होता है। इसलिए पहले से नियम स्पष्ट करो, किसी पद पर नियुक्ति कैसे होगी, क्या आधार होगा, पारदर्शिता भी हो और साथ ही सबको मालूम हो किसका क्या लाभ होगा, किसकी क्या हानि होगी, क्या करने पर क्या दंड मिलेगा, उसके नियम स्पष्ट हो। हमारे यहां क्या है, कानून तो है कि मर्डर करोगे तो फांसी तक हो सकती है, लेकिन नियम नहीं है कि ये हो जाएगा तो ये होगा। जितने स्पष्ट नियम होते हैं उतना ही चीजों में संघर्ष और अराजकता कम होती है। इसलिए अपने जीवन में भी, समाज में भी, जहां अवसर मिले सबकी राय लेकर मशविरा करके बृहत्तर जनहित में, समाज के हित में क्या है उसके अनुसार नियम बनाओ और उसका पालन करो और कराओ। इसी तरह एक तीसरी बात है कि हमारे यहां बहुत कम रिवाज है कि अच्छा काम हुआ तो उसकी प्रशंसा करने का रिवाज नहीं है। प्रशंसा करने से लोगों का मनोबल बढ़ता है। अंग्रेजों के यहां बहुत देखा, थोड़ी सी बात हुई तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम हुआ, वेरी गुड सर। लेकिन हमारे समाज में कोई बाप अपने बेटे की तारीफ करे, ये ऐसी बात जल्दी सुनी ही नहीं जाती। कोई मित्र अपने मित्र को बहुत तारीफ करे, बहुत कम सुना जाता है। इसलिए धन्यवाद देना, तारीफ करना, इसको रिवाज बनाइए। अच्छा काम हो, आपके संज्ञान में आया, तारीफ करिए, इससे मनोबल बढ़ता है करने वाले का। और अगर कभी गलती हो तो कहा गया है कि एप्रिशिएट पब्लिकली, सबके सामने तारीफ करो, लेकिन रेप्रिमेंड प्राइवेटली। अगर कोई गलती पाओ तो अकेले बुलाकर समझाओ ताकि वो व्यक्ति अपमानित न महसूस करे। अन्यथा आप सबके सामने अगर कहोगे शट अप तो आपने एक दुश्मन तैयार कर लिया आगे के लिए। अगर आपने कहा गेट आउट तो समझ लीजिए कि आपको भी जिंदगी से गेट आउट करने और उस दफ्तर से गेट आउट करने, उस घर से गेट आउट करने का एक दुश्मन आपने तैयार कर लिया। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित न करिए, नहीं तो उसका रिएक्शन होगा और आपको भी अपमान सहना पड़ेगा। संक्षेप में मैंने कुछ आपको मार्गदर्शक बिंदु बताए, फिर अगले वीडियो में हम आपको और कुछ जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।